तो हेलो डियर, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टैक्ट एंगल एंड शेप ऑफ मेनिस्कस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। इसका नाम है कि क्या होता है कॉन्टैक्ट एंगल। दरअसल जब आप किसी भी एक ग्लास ट्यूब को एक भरे हुए कंटेनर में डुबोते हैं तो वहां जो है जो टेंजेंट बनाते हैं हम, किस किसके बीच में टेंजेंट, आइए देखना कॉन्टैक्ट एंगल की डेफिनेशन। कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस ऑलवेज फ्रॉम सॉलिड एंड द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब एक ऐसा एंगल जो कि दो टेंजेंट के बीच में बनता है, एक टेंजेंट वो जो सॉलिड सरफेस पे बनाते हैं और एक टेंजेंट वो जो हम लिक्विड सरफेस पे बनाते हैं। ठीक, लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट बनती है, जो लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट बनती है वो अवे फ्रॉम सॉलिड होती है। ठीक, मतलब सॉलिड से दूर जाते हुए हम बनाते हैं, और जो टेंजेंट हम सॉलिड सरफेस पे ड्रॉ करते हैं वो लिक्विड की तरफ आते हुए बनाते हैं। ठीक, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये सारा काम होता है, तो वहां जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट एंगल। आप देखना यहाँ पे कि एक बिकर जो है वो मैंने लिया है, उस बिकर के अंदर मैं या तो डालूंगा मिथाइल आयोडाइड या फिर एक इम्प्योर वाटर। मिथाइल आयोडाइड एक केमिकल है और इम्प्योर वाटर आप जानते ही है। ठीक, यहाँ पर क्या करा मैंने, एक ग्लास की जो ट्यूब है वो यहाँ पर डिप कराई, और जैसे ही मैंने ग्लास की ट्यूब को डिप करा तो वहां क्या फिनोमिना होता है कि जो हमारा लिक्विड था इम्प्योर वाटर या मिथाइल आयोडाइड वो हल्का सा उस ग्लास ट्यूब के ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक, तो यहाँ जो है अगर आप यहाँ पे गौर से देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ टुवार्ड्स द लिक्विड सरफेस पे, तो ये जो है मैं लिक्विड सरफेस पे दो तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, एक इस ओर और एक इस ओर भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, अवे फ्रॉम द सॉलिड, सॉलिड से अवे। ये वाली टेंजेंट कंसिडर नहीं करनी है, जो अंदर टेंजेंट जा रही है लिक्विड की तरफ वो टेंजेंट हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। ठीक, एक टेंजेंट कौन सी, इस सॉलिड सरफेस पे टेंजेंट जो कि किधर हो, लिक्विड सरफेस की तरफ हो, टुवर्ड्स द लिक्विड। ठीक, तो ये मैंने टुवर्ड्स द लिक्विड जो है वो एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्ट एंगल। ठीक है, ठीक, यहाँ पे जो आप देखेंगे मैंने इस कंटेनर के अंदर अब की बार क्या लिया है, मरकरी। तो जैसे ही मैं ग्लास ट्यूब को डिप कराऊंगा तो वो मरकरी क्या करेगा, वो मरकरी उस ग्लास ट्यूब के नीचे की ओर जाने लगेगा, कुछ इस तरीके से जो है वो आप देख रहे होंगे। ठीक, यहाँ कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा, सॉलिड सरफेस पे टूवर्ड्स द लिक्विड, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, और लिक्विड सरफेस पे अवे फ्रॉम द सॉलिड, ये लाइन जो है वो आपको दिख रही होगी। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, जो कि हमारे पास कॉन्टेक्ट एंगल आएगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें कि थीटा जो है वो 90 से लेस देन है तो लिक्विड जो है वो राइज करेगा। ठीक, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, यानी कि लिक्विड जो है वो गीला कर देगा सॉलिड को, यानी सॉलिड पे वो चढ़ जाएगा ऊपर की ओर। ठीक, मिथाइल आयोडाइड और इम्प्योर वाटर जो है वो उसका एग्जाम्पल है, इनके लिए थीटा एंगल जो है वो 29 डिग्री होता है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर अगर थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, आप देख पा रहे होंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो लिक्विड जो है वो डिप्रेस होगा, लिक्विड नीचे की ओर जाएगा, लिक्विड जो है डू नॉट वेट्स, यानी वो जो है गीला जो है वो सॉलिड सरफेस आपकी बात नहीं होगा। ठीक, मरकरी के केस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसका एंगल कॉन्टेक्ट एंगल होता है 137 डिग्री। ठीक, यहाँ पर जो मेनिस्कस बनेगी, मेनिस्कस क्या होता है कि जब भी आप किसी भी ग्लास में वाटर भरते हैं तो वहां जो है एक ऊपर की ओर एक लेयर बनती है, कुछ कर्व शेप की, कुछ इस टाइप की लेयर जो है वो आपको देखने को मिलेगी ऊपर। ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस। तो यहाँ पर जो मेनिस्कस बनेगी वो किस टाइप की बनेगी, वो बनेगी हमारे पास कॉनकेव, और इस केस में हमारे पास मेनिस्कस कॉनवेक्स जो है वो बनेगी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो चीज, जो जो व्यक्ति लंबा है वो नीचे गर्दन करके बात करेगा और जो व्यक्ति बोना है वो ऊंची गर्दन करके बात करेगा। तो यहाँ जो है वो वाटर लेवल राइज, लेवल जो है वो राइज होता है, तो इसका जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव जो है वो बनेगा। ठीक, यहाँ जो है जो लिक्विड का लेवल है वो डिप्रेस होता है, यानी कि वो अपना मुंह ऊंचा करके बात करेगा, यानी कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये मैंने आपको याद रखने का फंडा बता दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जो कि सिमिलर टाइप के होते हैं, वहीं एडहेसिव क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक, यहाँ डेफिनेशन लिख दिए मैंने, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। अब बात आती है इनकी एग्जाम्पल की, तो अगर मैं किसी ग्लास के सर्फेस पे वाटर की ड्रॉप डालूँ तो क्या होता है, वाटर की लोब जो ड्रॉप है वो क्या है, चपटी हो जाती है। ठीक, वहीं मैं अगर मरकरी की ड्रॉप डालूं तो वो बिल्कुल स्फेरिकल बनी रहती है। ये सब क्यों होता है, इसके पीछे कारण है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। वाटर ड्रॉप के केस में क्या होता है कि वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स होता है वो बड़ा होता है वाटर वाटर के फोर्स से, जो वाटर वाटर अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगाता है वो छोटा होता है वाटर ग्लास के फोर्स से। ठीक, इस केस में क्या होता है, मरकरी के केस में, कि मरकरी ग्लास के बीच में जो फोर्स होता है एडहेसिव फोर्स जिसको आप कह सकते हैं, वो जो है छोटा होगा इसके कोहेसिव फोर्स से। यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स जो है वो छोटा है एडहेसिव से। ठीक, और यहाँ जो है वो कोहेसिव क्या है, बड़ा है एडहेसिव से। यही कारण है कि जब भी हम वाटर को डाले या मरकरी को डाले तो वाटर के केस में जो है वो ड्रॉप जो है वो पूरी फैल जाती है, लेकिन मरकरी के केस में वो स्फेरिकल ही बनी रहती है। ठीक, यहाँ जो है वो मैंने आपको
दो फिगर जो है बनाए हैं, एक वही आप वोटर ले सकते हैं, यहाँ पर आप मरकरी ले सकते हैं, कि यहाँ पर जो कोहेसिव और एडेसिव का जो नेट फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। यानी दरअसल यहाँ पर मैंने आपको कारण बताने की कोशिश करी है कि क्यों जो है वो इसमें थीटा लेस देन 90 होता है और इस केस में थीटा ग्रेटर देन 90 होता है, यानी कि क्यों इस केस में पानी ऊपर चढ़ता है और क्यों इस केस में जो है वो लिक्विड कोई भी मरकरी वो डिप्रेस होता है। ठीक, तो यहाँ जो है वो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कंसिडर करूँ, यहाँ जो मॉलिक्यूल है तो उस पर ये वाटर के मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, कोहेसिव फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, और ये जो ग्लास की ट्यूब है वो भी उस वाटर मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक, तो इनका नेट जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि आपको याद होगा कि जो वाटर का सरफेस होता है उस पर जो नेट फोर्स लगता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर इसको बनाए रखने के लिए एफ नेट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ मैंने ये फोटो को जूम करके बनाया है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाए, तो एफ नेट जो है वो इस डायरेक्शन में दिखेगा और ये जो सरफेस है वोटर का जो सरफेस है उससे बिल्कुल 90 डिग्री पर। ठीक, यहाँ जो है वो मैंने मरकरी का फोटो बनाया। ठीक, इस कंटेनर के अंदर मरकरी है, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं कंसिडर करूँ मरकरी के, तो उस पर कोहेसिव फोर्स लगेगा मरकरी मरकरी के बीच में, तो मरकरी उस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, और वो जो ग्लास सरफेस है वो मरकरी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन मरकरी ड्यू टू ग्लास सरफेस, वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब उनका नेट जो है ये एफ एम एम के डायरेक्शन में आएगा। यही कारण है कि जो मरकरी है वो मरकरी के केस में मरकरी का लेवल जो है वो डिप्रेस होने लगता है। यहाँ मैंने इसको जूम करके जो है वो आप दिखाया है, यहाँ फिर से जो है एफ नेट को इस सरफेस से, एफ नेट को इस सरफेस से 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री बनाना है, तो इसीलिए ये सरफेस जो है मरकरी का वो यहाँ पर इस तरीके से मुड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पूरा जो है वो देखा कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, मेनिस्कस का शेप जो है वो किस केस में कैसा होता है। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पेड़ पौधे जो है उनमें क्या ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ना तो हाथ होता ना ही पैर, फिर भी पानी पी लेते हैं, है ना, बिल्कुल अचंभे वाली बात। तो कल हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।